गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड गाइज इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने लगे हैं मसल ब्लेज का बायोजाइम वे प्रोटीन। एंड गाइज ये वे प्रोटीन मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड बेस्ड ऑन मेरे जो इफेक्ट्स हैं या फिर जो मेरे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इस प्रोटीन को यूज करते हुए आए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइज मसल ब्लेज की काफी इंट्रीगिंग सी चीज है एंड वो ये है कि ये बताते हैं कि इनके पास एक एंजाइम है विच इज नेम्ड एज बायोजाइम जो इनके प्रोटीन के अंदर अवेलेबल है और अंदर है। ये एंजाइम बेसिकली आपकी एब्जॉर्प्शन एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्रोटीन को इम्प्रूव करता है। एंड ये मसल ब्लेज की तरफ से दावा है कि ये सिर्फ उनके प्रोटीन के अंदर ही मिलता है एंड दिस इज पेटेंटेड बाय देम। गाइस ये जो प्रोटीन है इस पे मेरे थॉट्स में आपको अभी बताने लगा हूँ। ये जो प्रोटीन है ये काफ़ी सारे वेराइटी ऑफ फ्लेवर्स के अंदर अवेलेबल है। मेरे पास अभी चॉकलेट फ्लेवर है, ये स्ट्रॉबेरी वनीला जैसे काफ़ी फ्लेवर्स में आता है एंड मेक श्योर टू चेक इट आउट। एंड मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरे पर्सनल थॉट्स है। तो अगर किसी भाई को अच्छी नहीं लगी तो कमेंट डाउन करके बताना कि तुम्हें क्या इसमें करेक्ट हो सकता। सो गाइज मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर है, मैं इसको अपने वर्कआउट के बाद 2 स्कूप्स ऑफ वे अपने वर्कआउट के बाद लेता हूँ। एंड अगर मैं आपको पर्सनली अपना जो एडवाइस है वो बताऊँ इसके बारे में तो वो है कि ये काफ़ी अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये बजट फ्रेंडली उतना बजट फ्रेंडली नहीं है जितना मतलब जैसे अगर आपको कोई प्रोटीन चाहिए अच्छी क्वालिटी का, क्वालिटी अच्छी है प्रोटीन की बट बजट फ्रेंडली नहीं है। सो अगर आप किसी बजट पे और आपको अच्छा प्रोटीन चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि विच प्रोटीन्स कैन यू गो फॉर। एंड सिंस इस बायोजाइम वे के अंदर ये बायोजाइम नेम की वजह से इसका प्राइस हाई हो रखा है एंड फॉर 2 kg ये आपको ऑलमोस्ट 4800 का मिल जाता है। एंड अगर आप बजट पे हो तो आई वोंट सजेस्ट कि आप इसके लिए जाइए, इसके बजाय आप एक सब्सिट्यूट प्रोटीन पे जा सकते हैं जो भले ही क्वालिटी में थोड़ा कम हो बट आपको एक बजट फ्रेंडली प्रोटीन मिल सकता है। एंड गाइस जैसे मैंने आपको बताया इसकी मिक्सेबिलिटी अच्छी है बट कभी कभी जैसे मतलब कुछ टाइम में मेरे को कभी कभी ये सिचुएशन फेस होती है कि मैं इसको अच्छे से करता हूँ मिक्स करता हूँ बट कुछ पार्टिकल्स वो मिक्स नहीं होते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, ये मैंने फेस किया है। अगर आपने नहीं किया तो अच्छी बात है, अगर आपने इसके साथ और कोई जो मेरे भाई इसको यूज़ करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट डाउन करके बताना कि तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो गाइस अब मैं आपके सामने इसको मिक्स और टेस्ट करके दिखाऊंगा एंड मैं अपना इसको पी के आपको इसके सामने दिखाता हूँ। तो गाइस अब मैंने अपना प्रोटीन मिक्स कर लिया है एंड मैंने थोड़ा सा पानी लिया था एंड मैंने पानी के साथ ही मिक्स किया। आपके ये खुद आप पे जो आपको अच्छा लगता है, आप इसको दूध के साथ भी पी सकते हैं, आप पानी के साथ भी पी सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। सो अब ये मिक्स हो चुका है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या आया है। मैंने एक और सिप ले ली। सो गाइस ये जो प्रोटीन मैंने अभी ये अपने ग्लास में डाला है ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है बट सिंस आप अगर देख सकते हो तो इस पर थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर्स हैं। आप देखो अगर इस पर प्रॉपर मिक्स थोड़े से बचे हैं बस वैसे, बट ओवरऑल इसको अगर आपके वो बजट है सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप ये प्रोटीन ले सकते हैं एंड ये वे प्रोटीन काफ़ी अच्छा है। टेस्ट की जहाँ तक बात रही गाइज, देखो मैं काफ़ी टाइम से अब चॉकलेट ले रहा था, जो मेरा पहले वे प्रोटीन था फ्यूल वन वो भी मसल ब्लेज का ही था बट उसका भी मैं चॉकलेट ले रहा था, इसका भी मैं चॉकलेट ले रहा हूँ तो अब मेरा चॉकलेट को रिलेटेड थोड़ा सा मेंटल पे वो हो गया इसलिए मेरे को चॉकलेट उतना अच्छा नहीं लगता। बट इसका मैंने स्ट्रॉबेरी भी ट्राई किया है एंड वनीला भी ट्राई किया है। सो इन तीनों फ्लेवर्स में से मेरे को वनीला सबसे अच्छा लगता है एंड देन चॉकलेट और फिर स्ट्रॉबेरी। सो ये वे प्रोटीन जैसे आप देख सकते हो ये लैबडोर सर्टिफाइड भी है एंड USA से लैबडोर सर्टिफाइड है। बाकी इसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था इसमें एक एंजाइम है बायोजाइम। पर्सनली मेरे को लगता है कि मे बी इसमें हो सकता है क्योंकि इसकी जो एब्जॉर्प्शन एंड मिक्सेबिलिटी है मेरे लिए तो एवरेज ही रही है। बाकी अगर कईयों के लिए अच्छी है तो फिर आप कमेंट डाउन करके बताना कि आपकी मिक्सेबिलिटी कैसी थी। ओवरऑल अगर मेरे को इस वे प्रोटीन को सजेस्ट करना होगा तो मैं ही उन लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा जिनका बजट है इसको खरीदने का। एंड अगर आपका बजट नहीं है तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ आप कमेंट करना, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि आप कौन सा बजट अपने वे प्रोटीन में कर सकते हैं। सो गाइस इसके साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब एंड कमेंट करो कि अगर आपने ये वे प्रोटीन लिया है एंड आपके इसके यूजेस कैसे रहे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस
बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि कंटेंट काफी सारा मेरे पास है एंड धीरे धीरे करके मैं आपको सब कुछ शो करूंगा एंड होप यू लाइक द वीडियो।